नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह और आज आपके लिए थर्ड वीक फरवरी माह के करंट क्वेश्चन। ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, घर पे शादी का माहौल था जिस कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आपके लिए थर्ड क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न, और जिसको मैं ज़्यादा विस्तार से बता नहीं पाऊँगा आंसर को, तो आप इस ज़्यादा विस्तार से देखने के लिए PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन से लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों की यात्रा की, जिसकी यात्रा का क्रम क्या सही प्रकार से क्या था? वह है सी फिलिपिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। क्वेश्चन नंबर दो, किस देश के राष्ट्रपति निकोस एनास्टोडियन ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? वो है बी साइप्रस के। क्वेश्चन नंबर तीन, 2018 में कितनी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? वो है सी 23 भारतीय भाषाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के हिमालय विश्व में किस स्थान पे है? तो वह है ए 8वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर पाँच, नितिन गडकरी ने पहली राज्य मार्ग क्षमता नियम पुस्तिका जारी की, इस पुस्तिका का नाम क्या है? बी एंडो HCM, बी एंडो HCM। और क्वेश्चन नंबर सात, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ईल की तीन नई प्रजातियों को निम्नलिखित में से कौन सी जगह से खोजा गया है? तो वह है बी बंगाल की खाड़ी से। आठवां क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा किए गए आर्थिक सर्वे के अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? वह है बी चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन नंबर नाइन, 11 से 13 फरवरी 2018 तक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, निम्न में यह इसका कौन सा संस्करण है? तो वह है सी 6ठा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 10, किस भाषा की मशहूर अभिनेत्री और निर्माता निर्देशक पार्वती घोष का निधन हो गया है? तो वह है डी उड़िया भाषा की। क्वेश्चन नंबर 11 फरवरी 2018 में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के राष्ट्रपति जेकब जुमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वह है ए दक्षिण अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 12, 8वें ग्लोबल थिएटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वह है ए भारत में। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान का शुभारंभ किया? वह है बी उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 14, नीरव मोदी का नाम हाल के दिनों में एक बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में सुर्खियों में रहा है, नीरव मोदी पर किस बैंक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था? वो है बी पंजाब नेशनल बैंक PNB ने। क्वेश्चन नंबर 15, खेल के इतिहास में पहली बार किस राज्य ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित करने का फैसला लिया हुआ है? सी उड़ीसा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 16 फरवरी 2018 में किसे नेपाल के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? वो है ए के पी शर्मा ओली को, जो कि दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? साइरिस रामाफोसा को, सी सारी रामाफोसा को। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला रेडियो फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया है? वह ए नई दिल्ली में, जो कि 15 फरवरी को आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2019 तक देश भर में लगभग कितनी LPG पंचायतों का आयोजन किया जाएगा? वह ए सॉरी 1 लाख का, डी ऑप्शन है 1 लाख का। क्वेश्चन नंबर 20, NTPC किस देश को 300 MW बिजली की आपूर्ति करेगा? वो है बांग्लादेश, ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली बेहतर करने और नए कानून बनाने को लेकर हाल ही में किस राज्य द्वारा राजस्व आयोग का गठन किया गया है? वो है डी पंजाब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका स्थित एरियोजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर का उपचार करने के लिए नैनो रोबोट विकसित किया गया, इस रोबोट के स्तर पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो है बी थ्रोयोबिन नामक एंजाइम होता है इसके स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से बाहर होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो है सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व सतत विकास सम्मेलन का हाल ही में किस स्थान पर आयोजन किया गया है? वह है ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस देश ने अपने प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद आपातकाल घोषित किया? वो है डी एथियोपिया का, एथियोपिया प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद
वहाँ अब कल घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में आयोजित भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 6 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? तो वह बी विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति एम वाई के नायडू ने हाल ही में दिल्ली के लाल किले में 8वें रंगमंच ओलंपिक्स महोत्सव का उद्घाटन किया, इस महोत्सव का विषय क्या था? वह है मैत्री ध्वज, सी मैत्री ध्वज। क्वेश्चन नंबर 28, 16 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्रस्तुत किया, यह बजट पिछले की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था? वह 11.4 सी। आईसीसी के नवीनतम वनडे रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? वह ए पहले स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 23, चेन्नई ओपन ATP टेनिस टूर्नामेंट 2018 के पुरुष एकल खिताब को किसने जीता है? वह ए जॉर्डन थम्पसन ने। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्राचार्य पद्मश्री स्वामी राम स्वरूप शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में किस राज्य से संबंध रखते हैं? वह उत्तर प्रदेश से, ए उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 32, किस ऐतिहासिक भारतीय व्यक्तित्व का स्मारक लंदन में स्थापित किया गया है? वो है बी के कृष्ण मेनन, बी ऑप्शन है बी के कृष्ण मेनन। क्वेश्चन नंबर 33, 17 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स की क्या थीम थी? वो है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप डी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया, इस फैसले के अनुसार कर्नाटक को अब कितना पानी मिलेगा? वह 284.75 सी, 284.75। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 के दिन अस्मिता योजना की शुरुआत करेगा? तो वह है महाराष्ट्र, ए महाराष्ट्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 36, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है? वह है बी 19 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 37, मैग्नेटिक महाराष्ट्र निवेशक सम्मेलन 2018 कब शुरू किया गया था? वह 18 फरवरी को, बी 18 फरवरी को। निम्नलिखित में से भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष है? तो सांख्यिकीय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, वह 2017-18 सी को। क्वेश्चन नंबर 39, प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस 2018 के 22वें संस्करण का किस शहर में उद्घाटन किया गया? वो है ए हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय केला फेस्टिवल 2018 का आयोजन किया जा रहा है? तो है डी तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राष्ट्रीय राजधानी है, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राजधानी केरल की। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की 2600 अरब डॉलर की GDP में निर्यात का हिस्सा वर्तमान में लगभग कितने प्रतिशत है? वह बी 18%। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी राशि के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी दी है? वह डी 60,000 करोड़ के। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने हाल ही में किसके साथ एक शोध परियोजना जल गुणवत्ता अनुसंधान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? वह है सी यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एवरी चाइल्ड एलाई रिपोर्ट के अनुसार नवजात बच्चों के जन्म के लिहाज से सबसे ज़्यादा जोखिम भरा देश कौन सा हुआ है? ए पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 45, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्लेस क्वीन हम्स पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो भारतीय शहरों के बीच चलाई जाएगी? वह मैसूर और उदयपुर बी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैं ये आशा करता हूँ, और आप सभी के लिए उपयोगी भी हो, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ, अगर PDF फाइल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह, और ये है 4th week के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो 3rd question के साथ ही दिए जा रहे हैं। इसकी PDF फाइल में की लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जिससे आप इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता गुंडा हनुमत राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, संबंधित थे कौन सी फिल्मों से? संबंधित थे वो थे तेलुगु फिल्मों से संबंधित थे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक शोध परियोजना जल गुणवत्ता अनुसंधान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? वो है ब्रिटेन के साथ। बी ब्रिटेन के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? वो है प्लास्टिक प्रदूषण को मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 5th, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी के पानी के विवाद को सुलझाने के लिए इंटरस्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है? वह महानदी के। बी महानदी के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी दी है? वह है डी 60 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, बैंक में बढ़ रहे फर्जीवाड़े के कारणों की जांच के लिए आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? वह है बी YH मालेगाम की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, यूपी निवेशक सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया था? वो स्थान कौन सा है? वह है यूपी की राजधानी लखनऊ। ए लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करेगा? डॉक्टर राजीव कुमार। डी राजीव कुमार डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? वो है सी गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक महोत्सव छावरव बापू को कार्यांजलि का किस भारतीय शहर में आयोजन किया गया? वो है ए वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बागौरी गंगा ग्राम परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की है? वो है उत्तराखंड। बी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उत्कृष्ट संसाधनों के चयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की गठन की घोषणा की है? वो है सी एन गोपाल स्वामी के। अगला क्वेश्चन है, इसराइल के सहयोग से किस राज्य के पूर्वोत्तर के पहले केंद्रीय सॉरी केंद्र नहीं क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च 2018 को किया जाएगा? वो है बी मिजोरम में। क्वेश्चन अगला बनता है, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अम्मा टू व्हीलर योजना की शुरुआत निम्न में किस राज्य में की गई है? वो है ए तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक्स विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हाल ही में बनी है? उसका नाम है सी अरुणा बी रेड्डी। अगला क्वेश्चन, कुंवर बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किससे संबंधित थी? वो थी स्वस्थ भारत अभियान से। बी स्वस्थ भारत अभियान से संबंधित थी, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, जिनका निधन 106 वर्ष की उम्र में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दूसरा कनाडा भारत व्यापार मंच आयोजित किया गया? वो है ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बनता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? वो है सी 81वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड बेटेन टेक्स्ट लूप सुविधा विकसित की है? वो है सी IISc बेंगलोर ने। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया गया? वो है पृथ्वी सेकंड का। बी पृथ्वी सेकंड का। हाल ही में शुरू हुए भारतीय इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? गरुड़ शक्ति। डी गरुड़ शक्ति। किस भारतीय राज्य ने हाल के स्कूल में प्रवेश के टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में किस राज्य ने भारतीय राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया? वो है ए केरल ने। अगला क्वेश्चन है, विविधता में एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने
सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? वो है डी मध्य प्रदेश ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को 30 अप्रैल 2018 तक की इस प्रणाली को बैंक के कोर बैंकिंग सल्यूस से जोड़ने का निर्देश दिए है। वो है सी स्विफ्ट। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन एवं दीव के लिए कितने करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत की है? वो है 1,000 करोड़ रुपए की। 1,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2018 को किस विशिष्ट बॉलीवुड अभिनेत्री का दुबई में निधन हो गया? वो है श्रीदेवी का, जो कि हाल ही में 24 फरवरी को इनका निधन हुआ है, जिसकी उम्र थी 54 वर्ष, जो कि हिंदी फिल्मों की फीमेल सुपरस्टार थी और इन्हें 2013 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 फरवरी 2018 दो दिन के रसोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? वो किया है ए मथुरा में। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन की हरी झंडी दिखाई है? वो है सी गुजरात के सूरत से। अगला क्वेश्चन बनता है, 24 फरवरी 2018 को आयोजित नई दिल्ली मैराथन निमित्त में किसने जीती है? वह है गोपी थोनाकल ने। अगला क्वेश्चन बनता है, ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में प्रारंभ किया गया है? वह है ए हैदराबाद में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस मिष्ठान के अपने संस्करण के लिए GI टैग प्राप्त करने हेतु तो आवेदन किया है? वह उड़ीसा सरकार ने रसगुल्ले के लिए किया है, ए रसगुल्ले के लिए। आप सभी को ये मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जिस भी यूज़र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर हर प्रतिदिन के हिसाब से नए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और वहाँ से इस PDF फाइल को प्राप्त करें। और